जी रिकॉर्डिंग ऑन है। ओम परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशः च उपस्थाय प्रथमजाय ऋतस्य आत्मना आत्मानम् अभिसंविवेश। मंत्रार्थ, भूतानि अस्तित्वों सृजनों को परित्य परिव्याप्त होकर, लोकान लोकों को परित्य परिव्याप्त होकर, सर्वाहा सब प्रदिशो प्रदिशाओं च और दिशा दिशाओं को परित्य परिव्याप्त होकर, उपस्थ्याय उपस्थित होकर, प्रथम जाम प्रथम उत्पन्न को ऋतस्य ऋत के आत्मना आत्मा से आत्मानम आत्मा को अभिसंविवेश सम्मुख सन्मुख सम्यक प्रवेश करो। भावार्थ, भूत का अर्थ है जो हो चुका है, अस्तित्व में आ गया है। जो भी सृष्टि हो चुकी है उसको परित्य अर्थात परिव्याप्त होकर अथवा परे जाकर, इसी प्रकार से सभी भूतों को भी परिव्याप्त होकर अथवा परे जाकर, यह भाव यह है कि जो कुछ भी हमारे चिंतन में आ सकता है उस सबसे परे जाकर, परे जाना भी तभी संभव है जब हम परिव्याप्त हो जाएं। व्याप्त हुए बिना परे जाने की बात तो पलायन है, इसी तरह से परे जाना तो संभव हो नहीं सकेगा। जब उपासक इतनी साधना कर लेता है, वह इन सबसे परे जा चुका होता है, तब वह प्रथम जा अर्थात पहले उत्पन्न के उपस्थाय अर्थात समीप स्थित होकर ऋत की आत्मा द्वारा आत्मा में अभिसंविवेश अर्थात पूर्णतः लीन हो जाता है। परमात्मा से एकाकार होने की यही अवस्था है। धात्वादि निरुक्त, भूतानि भू होना, परित्य परि उपसर्ग, ई जाना व्याप्त होना प्रेरणा करना, लोकान लोक देखना बोलना, परित्य परि उपसर्ग ई, सर्वाहा सर्वनाम, प्रदिशो प्र उपसर्ग दिस दिशा देना निरूपण करना संकेत देना, च अव्यय दिशा दिस, परित्य परि उपसर्ग ई, उपस्थाय उपसर्ग स्था स्थित होना ठहरना, प्रथम जाम प्रथम संख्या प्रथ विस्तार होना फेंकना उड़ाना भेजना प्रेरणा करना, जन उत्पन्न होना, ऋतस्य री जाना चलना संचालित करना, आत्मना अत सतत सतत चलना, आत्मानम अत अभी उपसर्ग सम उपसर्ग विवेश विस प्रवेश करना, अंतर्गमन करना सूचना करना प्रेरणा करना। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र एकादशा 11वां मंत्र आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वा प्रतिशो दिशा च उपस्थाय प्रथम जामृतस्य आत्मना आत्मानम् अभिसंविवेश। अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है, साधना को सफल बनाना है, उस परमेश्वर का सामीप प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है?
इस मंत्र में बताया जा रहा है कि हमें इस सांसारिकता से परे जाना, परित्यक्त भूतानि, जो कुछ भूत है हो चुका है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उन सभी भूतों को परित, उनसे परिता ईत जाकर, परे जाकर, जो कुछ भूत है उत्पन्न है, जो कुछ भी इस संसार में है, जो सांसारिकता है, जो हमें दिखता है, महत्वपूर्ण लगता है, ये जो भूत है, जो पंचभौतिक पदार्थ हैं, हम उसका संकेत भी इसमें मान सकते हैं। यद्यपि इसमें पंचभूत जैसी कोई बात नहीं आई, वेद में कहीं ऐसी चर्चा मेरे स्मरण में नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी निवेदन किया है कि वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने पांच नहीं, नौ द्रव्यों की बात की है, उन्हीं में पांच भी हैं जो बहुचर्चित हैं, इसे अंतर नहीं करेंगे, उनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो इन सभी भूतों से, भौतिकता से परे जाकर, परित्य लोकान, सभी लोकों से परे जाकर, परित सर्वाह प्रदिशो दिशाचा, सभी दिशाओं प्रदिशों से परे जाकर, उपस्थाय उपसमीप स्थाय स्थित होकर, समीप स्थित होकर, अभी तो हमको बताया गया कि हमें इस सांसारिकता से परे जाना है। परित भूतानि, ये सभी भूतों से, भौतिकता से परे जाना है, परित लोकान, सभी लोकों से परे जाना है, परित सर्वा प्रदिशो दिशाचा, सभी दिशाओं प्रदिशाओं से परे जाना है। तो जाना कहाँ है, इन सबसे परे तो हो जाएं, फिर जाएं कहाँ, स्थित कहाँ होंगे, तो कह रहे हैं उपस्थाय, उप उपसर्ग समीप के अर्थ में, उपस्थाय समीप स्थित होकर, किसके प्रथम जा, जो प्रथम उत्पन्न है, ऋतस्य ऋत का, आत्मना आत्मा द्वारा, आत्मा के साथ, तृतीया एक वचन है, तृतीया विभक्ति में उसके द्वारा, उसके साथ का अर्थ होता है, दोनों ही अर्थ हैं, थोड़ा सा विचार करेंगे तो दोनों का भाव एक ही होता है, उसके द्वारा, उसके साथ, हम किसी वाहन यान के द्वारा जाते हैं तो उसके साथ ही जाते हैं, द्वारा और साथ एक ही है, किसी के द्वारा कोई कार्य होगा तो उसके साथ होकर ही होगा, तो उस रूप में समझें, आत्मना आत्मा के द्वारा या आत्मा के साथ, एक ही बात है, किसके ऋतस्य ऋत के, अब ऋत के प्रथम जा, जो प्रथम उत्पन्न है, उस ऋत के आत्मा के साथ, ऐसा अर्थ कर सकते, कल्पना करें जब सृष्टि है ही नहीं, सर्वव्यापी केवल दिव्य परम चेतन सत्ता परमेश्वर है, परमात्मा है, कुछ भी नहीं है, फिर सृजन प्रारंभ होगा। हिरण्यगर्भ सूक्त में, पुरुष सूक्त में हमने सृजन की झलक देखी है, पहले प्रकाश ध्वनि ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, धीरे धीरे सृष्टि का विकास होता है, और ये सृष्टि कुछ नियमों से संचालित है जिसे हम ऋत कहते हैं, जो कहें ये ऋत ही सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, जब ये नियम व्यवस्था उत्पन्न होगी फिर धीरे धीरे सब कुछ उसके अनुसार होने लगेगा, प्रकाश उत्पन्न हुआ, ध्वनि उत्पन्न हुआ, ऊर्जाएं उत्पन्न हुई, उन ऊर्जाओं के परस्पर संघात से अन्य ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी,
क्रमशः द्रव्य पदार्थ उत्पन्न होंगे, परमाणु उत्पन्न होंगे, अणु बनेंगे और धीरे धीरे सृष्टि का विकास होगा। यह सब ऋत अर्थात सृष्टि के सार्वभौम नियमों के अनुकूल होगा। तो कहा गया जो प्रथम जा सबसे प्रथम उत्पन्न है उस ऋत की आत्मा के साथ आत्मानम आत्मा को या अपने को, उस आत्मन का अर्थ अपना भी होता है, आत्मानम अपने को या आत्मा को, दोनों ही बातें ठीक है। आप आत्मा ही समझें, वेद के अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अभी समवेश विवेश अभिता सब ओर से सम सम्यक रूप से विवेश प्रवेशित करा दिया जाए। विष धातु प्रवेश ने प्रवेश के अर्थ में है, धातु विष है, प्रा उपसर्ग लगा तो प्रवेश हो गया, पी उपसर्ग लगा तो विवेश हो गया, समवेश भी होता है, सम उपसर्ग लग जाता, अर्थ वही होगा, प्रवेश कर प्रवेश होना। तो कहते हैं उपस्थाय प्रथम जाम, जो प्रथम उत्पन्न है उस ऋत के निकट स्थित होकर उसकी आत्मा के साथ आत्मा को सम्यक प्रवेश कर दिया जाए, अर्थात जो परमात्मा की दिव्य चेतन अवस्था है, कह सकते हैं जो उसका दिव्य मूल स्वरूप है, उसको जान लें, समझ लें, इस सृष्टि की प्रक्रिया, इस सृष्टि संचालन की व्यवस्था है, उस ऋतु को समझ लें, उसके साथ अपने आप को जोड़ लें, जो ये भौतिक संसार है, संसार की भौतिकता है, जो प्रत्यक्ष हमको दिखती है दिन प्रतिदिन, जिसमें हम उलझे रहते हैं, इस उलझाव से थोड़ा परे जाएं और इसके पीछे जो ऋतु व्यवस्था है, उसके संचालन के वो नियम, वो व्यवस्था जिसका उल्लंघन कभी संभव नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे भौतिक शक्तियां हो, सांसारिक शक्तियां हो, सत्ता का बल हो, शारीरिक बल हो, किसी प्रकार का बल शक्ति हो, या तथा कथित धार्मिक आध्यात्मिक चमत्कारिक शक्तियां हो, ये किसी व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है कि वो ऋत में परिवर्तन कर सके। ऋत में परिवर्तन तो नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि भाई परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है तो क्या परमेश्वर उसमें कुछ कर सकते हैं या नहीं, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं विनम्रता से यही कहूंगा, अब इस स्तर पर तो परमेश्वर की बात परमेश्वर जाने, हम जैसे साधारण लोगों की इतनी सामर्थ्य कहा इस पर हम कोई निर्णय दे दें। सामान्यता बात यही है कि परमेश्वर की बनाई हुई जो रीति व्यवस्था है, जो सर्वव्यापी सृष्टि के नियम हैं, उनका उल्लंघन होता नहीं है। ये मानकर चले कि परमेश्वर भी उन नियमों में कोई ढील नहीं देता कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसमें कोई ढील दे दे, कोई थोड़े समय के लिए उसको स्थगित कर दे, वो भी संभवता ऐसा करता नहीं। जो हमारी भावना उसके सर्वशक्तिमान होने की है, तो इसे आप मेरी व्यक्तिगत भावना कह सकते हैं, मैं मानकर चलता हूं 1% मैं उस पर छोड़ देता हूं कि यदि वही कुछ चाहेगा तो उसकी इच्छा, परंतु कम से कम कोई व्यक्ति या मैं ये कहूं कि मेरी साधना सामर्थ्य इतनी है, मैं उसके साथ एकाकार हूं, उसके साथ हमारा इतना सामीप्य है कि मैं चाहूं तो इसके नियमों में कोई छूट देकर आपको बचा सकता हूं, आपका कुछ हित या हित कर सकता हूं, तो इतना अवश्य कहूंगा कि ये तो संभव नहीं, न ये मेरे लिए संभव है, न ये किसी अन्य के लिए संभव है, ये किसी के लिए संभव नहीं है। अब परमेश्वर स्वतः किसी परिस्थिति में
किसी विशेष स्थिति में स्वतः संज्ञान लेकर कुछ करना चाहे तो वो जाने, उस पर कुछ कहने का सामर्थ्य या अधिकार हम जैसे साधारण प्राणी का नहीं है, होना भी नहीं चाहिए मेरे विचार से, किसी को भी इस स्तर पर नहीं कहना चाहिए। अन्यथा जिसकी जैसी भावना, मैं यही कह सकता हूं कि कम से कम किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं हो सकती, क्यों कहे कि मैं ये कह सकता हूं कि वो परमेश्वर किसी व्यक्ति को ये सामर्थ्य नहीं दे सकता कि वो उनके नियमों का उल्लंघन कर दे। हो सकता है बहुत दुर्लभ परिस्थिति में उस समय के लिए वो स्वयं ऐसा कुछ करना चाहे, तो किसी को अनुभव भी नहीं होगा, उसने कब क्या कर दिया किसी को क्या पता, परंतु उसको लेकर कोई मनुष्य किसी तरह के चमत्कार की बात करे, ऐसा कोई दावा करे, ये तो असंभव है, कभी नहीं होगा, ये मानकर चले। तो कह रहे हैं कि सांसारिक भौतिकता से परे जाकर उस संचालन के मूलभूत नियम व्यवस्था जो रित है उसके समीप स्थित होकर उस रित की आत्मा के साथ अपने आत्मा को, अपने आप को पूरी तरह जोड़ दिया जाए, उसमें प्रवेश कर लिया जाए, उस परमेश्वर के दिव्य सत्ता का सानिध्य सामीप प्राप्त कर लिया जाए, यही इस मंत्र का मुख्य संदेश है, प्रेरणा है। हम इस मंत्र के माध्यम से आपसे इतना ही निवेदन करना चाहते हैं, इस भौतिकता से परे जाकर अध्यात्म की साधना से, वेद के स्वाध्याय से हम उस परमेश्वर का सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं, परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, यही इस मंत्र की प्रेरणा और संदेश आज हम ग्रहण करते हैं। और इस मंत्र की चर्चा अपनी बात को हम यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोग जो भी प्रश्न हो, विचार हो तो रख सकते हैं। ओम। स्वामी जी, ये जो रित का जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है, मैं पहले ही बताया था, क्योंकि मैजिकल थिंकिंग एक प्रकार का लक्षण रहता है हमारे मानसिक रोग में, कि मेरे कारण बाढ़ आ गई, मेरे कारण विस्फोट हो गया, इस टाइप का चिंतन होता है मन में। तो जब रित का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, बिना जो नियम पहले से बने बनाए गए हैं और सदा से चले आए हैं उससे विरुद्ध नहीं होगा, तो ऐसा चिंतन करने से मेरा रोग शांत हो जाता है, मेरा रोग ठीक हो जाता है। इसलिए मैंने रित और सत्य का प्रश्न किया था स्वामी जी। जी, बहुत उत्तम है, हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि वेद के स्वाध्याय से, वेद की अवधारणा विचारधारा को समझने से हमको कैसे प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है, यह हम सबके लिए प्रेरणा है, अति उत्तम। अच्छा स्वामी जी, एक और विचार, एक और मतलब मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। वेद में जो कुछ भी लिखा है, ऋग्वेद से लेकर के यजुर्वेद तक, उसको उसका खंडन क्या कोई भी नहीं कर सकता? क्या वो भी रित में आएगा? जी, ये बात अच्छी बात है, आपने विषय रखा है, तो कुछ लोगों को जो अभी नए जुड़े हैं, नहीं विधा से परिचित है, तो उन्हें स्पष्ट हो सकता है। देखिए, वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये सब मानते हैं, और वेद में लिखी हुई कोई भी बात अब तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है, ये हमारे लिए सुखद आश्चर्य है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि वास्तव में अविश्वसनीय है कि प्राचीनतम ग्रंथ में लिखी हुई कोई बात अब तक असत्य सिद्ध नहीं हुई, असत्य सिद्ध नहीं हुई, इतनी खोजें हो गई, इतना विकास हो गया, इतनी बातें जान ली गई, खोज ली गई, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कुछ समय पहले, इतनी नवीन खोजों के पश्चात भी वेद में लिखी हुई कोई बात असत्य सिद्ध नहीं हुई, ये हम सबके लिए सुखद आश्चर्य है। तो यही वेद का महत्व है, उसकी प्रामाणिकता है, विश्वसनीयता है, उस रूप में हमें मानना चाहिए। जहां तक उसके रित होने की बात है, ये हमने आपको बताया था,
कि सत्य एक विषय है, कि जो कुछ है वास्तव में वो सत्य है, ऋतु वो नियम है जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकते, और वेद में हमारे जीवन के लिए बहुत से मार्गदर्शन है, नियम है, दिशा निर्देश हैं, तो वे ऋतु नहीं है, वे हमारे विवेक पर है कि विभिन्न परिस्थितियों में उसका हम कैसे अनुपालन करके लाभ उठाएं। यदि पालन नहीं करेंगे तो उसका जो विपरीत प्रभाव होना है वो होगा, तो उसको थोड़ा यूं समझना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, मेरा रोग लगभग अब ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि मैं अब सीधे वेद पढ़ूंगा और अपने माइंड को ठीक कर लूँगा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता। मेडिकल थिंकिंग नहीं रहेगी मेरी कि मेरे कारण किसी की हत्या हो गई, मेरे कारण विस्फोट हो गया, ऐसा नहीं होगा। मेरा जो मन है वैज्ञानिक सोच पे आ जाएगा, जैसा कि वेद में है। स्वामी जी नमस्ते, इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि वेद के बारे में जो पाश्चात्य विद्वान मैक्स मिलर हैं, उन्होंने एक जगह लिखा है, संभवतः ऋग्वेद में ही कहीं पर उल्लेख किया स्वामी दयानंद जी ने, कि मैक्स मिलर लिखते हैं कि वेद की वाक्य रचना जिस प्रकार से है वह कोई साधारण असाधारण मानव कर ही नहीं सकता, इसलिए वेद निश्चित रूप से अपौरुषेय है। उत्तम है, अच्छी बात है, ये तो हम सब लोग मानते ही हैं। हाँ धीरज जी बताएं, आप कुछ कह रहे हैं। धीरज जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कृपया माइक चेक करिए। बहुत खरखरा रही है आपकी आवाज़। तमाम बाधाओं के बाद जो हम आपकी बात सुन पाए, अंतिम बात के कुछ अगर हम समझ पाए सही, तो वैज्ञानिक दृष्टि से तो हमें हर बात को तोलना ही पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टि का आशय क्या है ये समझना होगा, वो है कार्य कारण सिद्धांत। यदि ऐसा हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। पौधे के उगने की जो प्रक्रिया, जो साधन हैं, जो परिस्थितियां आवश्यक हैं, वो होंगी तभी उगेगा। इस विचार को वैज्ञानिकता, तार्किकता या वैदिकता कह सकते हैं। कार्य कारण सिद्धांत महत्वपूर्ण है, यदि कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण होगा और ये श्रृंखला अनंत तक चलती चली जाएगी। अगर वो
उचित कारण नहीं है तो वो कार्य निष्पन्न नहीं होगा। कार्य का अर्थ क्या है यहाँ पर? परिणाम। तो यह तो आवश्यक है कि जिसे एक यूं कहा जाता है कि भाई कहीं आग लगी है तो धुआं उठा होगा, धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान कर लेना वो ठीक है। इस समय कोई कृत्रिम रूप से हो सकता है धुआं फैला दे और कहीं आग न लगी हो, तो ये अनुमान में तो ये बात ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष में जब हम देखेंगे कोई घटना या घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। जैसे आग नहीं जलाई, कृत्रिम रूप से उसने धुआं उत्पन्न किया, तो ये भी एक कारण है, उसने कुछ ना कुछ प्रक्रिया से धुआं उत्पन्न किया। तो इस प्रक्रिया को हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ता है। ये कोई ताप नहीं मिलेगा, कोई कहे कि जल रखा हुआ है और उसे कहीं से ताप न मिले, उष्मा न मिले और वो उबलने लगे, वाष्प बनकर उड़ जाए, तो ये कैसे संभव होगा? जल रखा है या उसे उबलना है तो कहीं ना कहीं से ताप तो उसे मिलना होगा। हो सकता है ताप उसे कहाँ से मिल रहा है ये हमको अभी स्पष्ट न दिख रहा हो, हम न समझ पा रहे हूँ। किसी ने कुछ इस तरह किसे वहां पर बना रखा हो कि हमको वो ना समझ में आ रहा हो कि इसको ताप कहाँ से मिल रहा है, परंतु कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्था तो हो रही है, या तो हमें दृष्टि भ्रम हो रहा है, उसने कुछ ऐसा प्रयोग किया है दृष्टि भ्रम हो रहा है, जो समझिए जिसे मायाकार या इस समय जादूगर कहते हैं। तो वे मानते हैं कि जो कुछ वो दिखाते हैं करते हैं वो होता है प्रकृति के नियमों के अनुकूल, वैज्ञानिक रूप से ही, चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। वो इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि हमको समझ में नहीं आता ये हो कैसे गया, यही उनकी कला है, इसी बात के लिए उनका महत्व है। तो ये देखें कि कार्य कारण सिद्धांत ये एक ऋत का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सबसे प्रमुख सिद्धांत है। तो इस ऋत का उल्लंघन संभव नहीं है, बिना कारण के कार्य नहीं होगा, इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा। तो जी गुरु जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जिस विज्ञान की बात कर रहा था ना, तो वो एक्चुअली मैं साइंस की बात कर रहा था, मतलब कि साइंस और विज्ञान में बहुत बड़ा फेर है। भाई हम सुन नहीं सके आप क्या कहना चाहते हैं, गड़गड़ाहट खड़खड़ाहट बहुत आ रही थी तो हम कुछ भी समझ नहीं पाए। या तो लिख दीजिएगा या फिर कभी चर्चा कर लेंगे जब ये सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हाँ, किसी और को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, धीरज जी की बात अभी हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, कोई समस्या है वहाँ, तो किसी और को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। स्वामी जी, यहाँ पर सब जो आया हुआ है दिशा प्रदिशश्च प्रदिशो दिशश्च सर्वा, तो इसका अर्थ तो ये होता है कि दिशाएं और उपदिशाएं सभी, लेकिन इसमें कहीं भी अंतरिक्ष शब्द का भी प्रयोग नहीं है, कहीं भी इसके अंदर क्या कहते हैं इसको, जो हमारी एक धारणा है पंच महाभूत की, वैसा भी इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा जी। मैंने कहा तो उसमें केवल भूतान आया है, भूतो तो वही मैंने कहा कि जैसे पंच महाभूत या नौ द्रव्य की बात वैशेषिक में की गई तो कोई चाहे तो उससे कर सकता है, परंतु यहाँ नहीं आया है, मैंने स्पष्ट किया यहाँ पर पंच महाभूत ऐसी कोई बात नहीं आई।
वहां तो भूता नहीं आया है, भूत का मतलब जो कुछ हुआ है, जो भी सृष्टि हुई है, जो भी उत्पन्न हुआ है, वो सबकी बात कर रहा है। ये बात मैंने वहां भी स्पष्ट की थी और यही बात ठीक है। ओम कर स्वामी जी, ये हुआ कि उसके अंदर जितने भी चेतन अचेतन जड़ जंगम वे सब शामिल हो जाएंगे भूत के अंदर, निश्चित रूप से हो जाएंगे, जो कुछ हुआ है सब कुछ उसमें आ गया, भूतानि बहुवचन में कह दिया गया, सब कुछ सम्मिलित है। धन्यवाद स्वामी जी। जी तो समय भी हो गया है, हम लोग समापन भी कर सकते हैं, कोई विशेष बात हो तो कह सकते हैं, तथा आप समापन करें, देखें कुलकित जी जो भी है। धीरज जी, मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो वैदिक वैज्ञानिक हुए हैं वो लोग सबसे पहले ईश्वर का ही गुणगान करते हैं, फिर बाद में जो कहना होता है वो कहते हैं। जैसे गणित का जो एक ज्योतिष ग्रंथ है उसको जो है मय नामक असुर ने लिखा था, तो उन्होंने सबसे पहले ईश्वर की वंदना करी, फिर बाद में जो है गणित लिखा आगे। तो हम सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं, फिर बाद में विज्ञान गणित आदि रखते हैं। आपकी बात ठीक है, वो जो कहना चाहते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है, तो देखिए जो जो मूलभूत अवधारणा है विज्ञान में उसकी बात कर रहा हूं, उसमें पूर्वी पश्चिम आधुनिक और प्राचीन नहीं होता। मूलभूत अवधारणा है कार्य कारण सिद्धांत, तो मैंने यही कहा कि विज्ञान में कोई भेद नहीं होता, ये भेदभाव मन से निकाल दें, है ना। अन्यथा ये सारी तकनीकी खोजें वही हुई हैं जिन उपकरणों का प्रयोग करके हम आप संपर्क कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की खोजें, देने सबको छोड़ दीजिए, तो चलिए साहब बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी पर चलिए और दीपक जलाइए, है। तो निश्चित रूप से मान लीजिए जो सृष्टि के सार्वभौम नियम है, जो ऋत का सिद्धांत है, वो संपूर्ण सृष्टि में है, उसमें पश्चिमी और पूर्वी का कोई भेदभाव नहीं है, आधुनिक प्राचीन का कोई भेदभाव नहीं है। मनुष्य अपने मेधा से प्रतिभा से उस ऋत को समझ कर कितना कुछ खोज कर पाया, किया संयोग से कौन सी खोज किसी स्थान पर किस व्यक्ति ने की, वो महत्वपूर्ण नहीं है। और वो सिद्धांत बिल्कुल ठीक है कि जितना तक संगत रूप से हमको समझ में आ जाएगा हम उसको मानेंगे, शब्दों का हेर फेर है और उसको हम देख लेंगे। अभी इसकी चर्चा रविवार के प्रातःकालीन सत्र के लिए रखा जाए तो ये विषय अच्छा है उसके लिए, इस समय के लिए ये विषय थोड़ा जो कहें विषयांतर हो जाएगा, और यहाँ पर समय की भी सीमा पुलकित जी ने रखी है कि समय भी यदि सीमित रहे और विषय सीमित रहे तो दैनिक कक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है, और इसीलिए रविवारी विशेष साप्ताहिक कक्षा की अवधारणा लाई गई थी। ये भी हम आपको बता दें, आप अभी जुड़े हैं, कि दैनिक कक्षाओं में बहुत से विषयों पर हम लोग विस्तार से बात नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने विचार किया कि रविवार को एक दिन इसी के लिए रख लिया जाए, जो दैनिक चर्चा में नहीं आ पाते हैं, सनातन धर्म से संबंधित सारे प्रश्न वहां खुला मंच दे दिया गया, उसमें कोई मत व्याख्या नहीं होती, केवल प्रश्नोत्तर होते हैं, कोई भी प्रश्न कर सकता है और कोई भी उत्तर दे सकता है, ऐसा नहीं कि उत्तर भी मैं ही दूं, तो उसमें बिल्कुल खुली चर्चा का खुला मंच है, तो ऐसे प्रश्नों को रख लिया करें और रविवार को हम लोग उस पर चर्चा करें तो उचित होगा। मेरे विचार से समय हो रहा है तो पुलकित जी की मर्यादा के अनुसार जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं तो अब इसका समापन किया जाए, ठीक है। वो मंत्र के साथ इसका समापन करेंगे, कल हम लोग वेद कक्षा में पुनः मिलेंगे। जी गुरु जी। ओम युवसो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, सभी को नमस्ते। ओम युवसो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्।
कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम सभी को नमस्ते, सभी सहयोगियों को शुभरात्रि। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। अच्छा सुनिए हरीश जी, असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। हरीश जी जी जी, आपने मेरा वो क्या कहते हैं वो मंगाया था आपने मेडिकल रिपोर्ट शायद। सुबह की क्लास में ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं, जो आपको डॉक्टर ने दवाएं दी हैं उसके रैपर, मतलब जैसे दवा का पूरा पैकेट है ना सामने जिसमें कैप्सूल वगैरह जो भी दवाई आपको दी है तो उसके पैकेट की आप कॉपी भेज दे वैसा का वैसा, मतलब व्हाट्सएप पे इसको इमेज लेकर के जेनरिक नेम चाहते हैं हटा हुआ ताकि मैं इसको पढ़ के देख के समझने की कोशिश करूं। मतलब जेनरिक नेम चाहते हैं आप, जैसे कि गोली का वो रहता है ना मूल नाम, आपको जो दवा दी जा रही है वो दवा ठीक है। मैं प्रयास करूंगा